मैं हूँ कीर्ति सिंह और आप देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया। और अब आइए जल्दी से रुक करते हैं देश दुनिया की तमाम 20 खबरों पर। झारखंड की चतरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 1 करोड़ के ब्राउन शुगर समेत 9 तस्कर गिरफ्तार। दरभंगा व मधुबनी में लगेंगी 2 इथेनॉल यूनिट और मधुबनी के लोहट चीनी मिल में शुरू होगा काम। झारखंड में कोरोना की रफ्तार पर लगा ब्रेक, 51 दिन में 40,000 से घटकर 4,220 पर पहुंचा आंकड़ा। यूपी की सियासत में ब्राह्मण किंग मेकर बीजेपी के लिए ट्रंप कार्ड साबित होंगे जितिन प्रसाद। मेहुल चौकसी को नहीं मिली जमानत, हाईकोर्ट ने माना डोमिनिका छोड़कर भागने का है डर। नोएडा में चोरी की सबसे बड़ी वारदात का खुलासा, 8 करोड़ से ज्यादा का सोना और कैश बरामद, 6 चोर गिरफ्तार। तीसरी लहर को देखते हुए झारखंड के हर रेलवे व बस स्टेशन पर बनेंगे जांच केंद्र, सप्ताह में 4 दिन होगा काम। गुंडागर्दी के बाद अब साकिब ने की बदतमीजी, स्टंप को मारी लात और अंपायर को दी गाली। किसी भी गैस एजेंसी से अब रिफिल करा सकेंगे एलपीजी सिलेंडर, जल्द शुरू होगी योजना। यूपी के सीएम योगी का आया बयान, पीएम मोदी से मुलाकात को बताया शिष्टाचार। मनरेगा को लेकर राहुल का केंद्र पर निशाना, कहा सरकार किसी की भी हो, जनता भारत की ही है। इधर दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी, सीएम अरविंद केजरीवाल ने कही बड़ी बात। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट हाईकोर्ट के निर्माण रोकने से इनकार करने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने दी चुनौती। भाजपा को छोड़ने वाली पार्टी को मायावती पर भरोसा, पंजाब में चुनाव से पहले हुआ अकाली दल और बसपा का गठबंधन। दवा को छोड़ आज खरीद ले हर जरूरी सामान, क्योंकि राज्य में शाम 4 बजे से शुरू होगा 38 घंटे का संपूर्ण लॉकडाउन। कोविशील्ड वैक्सीन की 2 डोज के बीच का अंतर हो सकता है कम, विशेषज्ञों ने किया आग्रह। इधर मुंबई में 14 जून तक होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। चीन पर फिर गिरी कुदरत की गाज, बर्फ में गल गए मैराथन करने वाले 11 खिलाड़ी। ब्रिटेन ने कहा डेल्टा वेरिएंट 60% से ज्यादा संक्रमित करने की रखता है क्षमता। ब्लैक फंगस की पुष्टि करना अब हुआ बेहद आसान, 24 से 48 घंटे में मिलेगा सटीक परिणाम। मॉनसून सत्र के पहले मोदी कैबिनेट का विस्तार संभव, मोदी सिंधिया सोनोवाल समेत कई बड़े चेहरों को मिल सकती है जगह। नहीं रुक रहा कोरोना से होने वाली मौतों का सिलसिला, 24 घंटे में 4,002 मौतें, संक्रमण की दर हुई कम। शिक्षा मंत्री ने कहा बोर्ड परीक्षा आयोजित करने की कोशिश जारी, रद्द करना अंतिम उपाय।